परवरदिगार से हमारी दुआ है कि खुसूसन तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रहे और चंद फिरका परस्त अनासिर यहाँ की अमन व अमान को यहाँ की तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं और हम में ही चंद हमारे दुश्मन जो कोई मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सिर्फ वो एक फिरका परस्त है। ऐसी कौम से बचने की ज़रूरत है, तरक्की की तरफ देखने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि इस मुबारक महीने में ये दुआ करें कि हमारे शहर की अमन व अमान जैसे है उसे बरकरार रखा जाए और खुसूसन अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की जो अंतक कोशिश ये है कि शहर पूरे तेलंगाना के अंदर मुसलमानों के लिए एसटी एससी बीसी के लिए जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए मैं आवाम से कहता हूँ कि अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब आपके अपने एक सीएम हैं जो स्टेट की तरक्की और पिछले 70 साल से जो पिछड़ा इलाका तेलंगाना था उसको नंबर वन बनाने में वो कामयाब हुए और अब हमें चाहिए कि चंद लोगों की तरफ से हम अपने सीएम को या उसके कामों को बिल्कुल फरामोश कर हम ये ना समझे कि किसी तरीके से अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब को और तेलंगाना राज्य समिति को और यहाँ की तरफ इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ खुशो सर हाल ही में जो वाक़े सरजद हुए हैं, हाँ बेशक एक जो वाक़ा हुआ है खुशो सर एक खाना मस्जिद का एक नहीं होने वाला क्योंकि एक गलत काम हुआ है, मगर इसके लिए हमें दानिशमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। पहले इसके लिए मेरी एक अपील है कि कौम और मिल्लत के दानिशवरों से कि आप लोग बराह मेहरबानी एक फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बनाएं, हकीकत जानने वाली कमेटी, जिस कमेटी में उलमा मशायखीन और खुसूसन दानिशवरान कौम मिलकर ये कोशिश करें कि हकीकत क्या है जाने। बात तो ये है इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इसका कंपोजिशन लेने वाला भी हमारा ही अपना, इसको क्लेम करने वाला भी हमारा ही अपना, इसको पास कराने वाला भी हमारा ही अपना, इसको तोड़ने वाला भी हमारा ही अपना है, तो हम गैरों से क्या गिला करें। इसके लिए बेशक एक रोड बाइंडिंग का काम कमिश्नर म्यूनसिपल की तरफ से अंजाम पाता है, इसके लिए हम क्या इकदाम करना चाहिए, किस तरह से जो भी काम शहर के अंदर होता है, अगर शहर में चोरी होती है तो सीएम जिम्मेदार, शहर के अंदर कुछ गलत काम होता है सीएम जिम्मेदार नहीं होता, इसके पीछे कारफरमा लोगों को बेनकाब करना चाहिए, उनके चेहरों से नकाब खींचना चाहिए, उसका काम कौम और मिल्लत पे आता है। मैं चाहूँगा कि कौम और मिल्लत इस बारे में सिंसियर तरीके से एक कमेटी फॉर्म करे जिसमें उलमा मशायखीन दानिशवरों को ले और इसका फैक्ट फाइंडिंग क्या है वो सरे से शुरू से इसकी तहकीकात करे। अगर वो वाकई, मैं कहता हूँ मैं पहला आदमी हूँ तेलंगाना राष्ट्र समिति का इनायत अली बाखरी, अगर वाकई इसके अंदर कहीं भी आपको अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब नज़र आते हैं इस प्रोग्राम के पीछे, तो मैं पहला आदमी रहूँगा जो रिजाइन दे दूँगा। मगर ऐसे एक सेकुलर सीएम के वास्ते ऐसी बातें करना, उनको ब्लेम करना, उनको इंतजामिया में ओवर करना, ये एक बदबख्ताना बात है और एक अच्छा काम करने वाले मुसलमानों का साथ देने वाले एक सीएम को मायूस करने की बात है। आप ज़रा गौर फौर कीजिए और आगे हम इसके बारे में सोच समझ कर फैसला करेंगे।